मणिपुर से देश को हिला देने वाला जो मामला सामने आया उसके पीछे थी एक फेक न्यूज़, लेकिन फेक न्यूज़ ने ऐसी आग सिर्फ मणिपुर में पहली बार नहीं लगाई। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हो या 2020 में पालघर में हुई लिंचिंग, इन सब के पीछे की वजह थी फेक न्यूज़। इस स्टोरी में ऐसी ही घटनाओं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे बीच जब भी कोई बिना सोचे समझे या इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किए बगैर उसको फॉरवर्ड कर देता है तो उसका कितना भयानक अंजाम होता है। इसे इतनी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर 3 मई को शुरू हुई मणिपुर हिंसा के अगले दिन यानी 4 मई को फेक न्यूज़ नहीं फैलती तो शायद जिन कुकी महिलाओं का नंगा परेड करवाया गया वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी से बच जाते। तो शुरू करते हैं ये स्टोरी और बात करते हैं कि कैसे फेक न्यूज़ ने गैंगरेप से लेकर भयानक दंगे भड़काने और लिंचिंग तक को अंजाम दिलवाने का काम किया है और कैसे इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एसटी रिजर्वेशन से जुड़ा हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसके बाद 3 मई को मणिपुर जल उठा। हिंसा शुरू होने के अगले दिन वहाँ एक तस्वीर वायरल कराई गई। तस्वीर 20 साल की एक लड़की की थी। कहा गया कि कुकी समुदाय के लोगों ने मेती समुदाय की इस लड़की का गैंगरेप किया है। हालांकि बाद में ऐसी बात सामने आई कि जिस लड़की की रेप और हत्या की बात करवा कर हिंसा की आग में घी झोंकने का काम किया गया वो मणिपुर की थी ही नहीं, बल्कि वो तो दिल्ली की 20 साल की आयुषी चौधरी थी जिसके घर वालों ने उसे 2022 में मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जंगल की आग की तरह फैली फेक न्यूज़ ने मेती समुदाय के लोगों को भड़काने का काम किया। उनके अंदर इस हद तक आग लगाई गई कि उन्होंने कुकी समुदाय की महिलाओं का न सिर्फ नंगा परेड कराया बल्कि आरोप तो गैंगरेप तक के हैं। ये आलम तब है जब मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से ही इंटरनेट बंद है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी तरीके का पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी व्हाट्सएप से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैली फेक न्यूज़ की वजह से देश में भयानक दंगों से लेकर लिंचिंग तक हुई है। इसी सिलसिले में अगर महाराष्ट्र के पालघर की लिंचिंग की बात करें तो यहाँ भी आग फेक न्यूज़ की वजह से लगी थी। आपको याद होगा कि 2020 के आसपास बच्चा चोरी की अफवाहों ने जोर पकड़ रखा था। ऐसे ही बच्चा चोरी की अफवाह पालघर में भी फैली। जो फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड फैलाया गया उसमें 12 अप्रैल को सावधान रहने की बात कही गई थी। कहा गया था कि बच्चा चोर मुसलमानों की तरह दिखते हैं। यह भी लिखा था कि रात में वो खिड़की से घुसकर बच्चों को चुरा लेते हैं। इस फॉरवर्ड में अपील की गई थी कि इसे व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। ऐसी अफवाहों ने साधुओं की लिंचिंग करवा दी और तो और बाद में इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का भी काम किया गया। अगर सांप्रदायिकता की बात करें तो पालघर का मामला अपनी तरीके का पहला मामला नहीं था। फेक न्यूज़ ने इंडिया में सबसे बड़ा बवाल संभवतः उत्तर प्रदेश में 2013 में करवाया था। 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। इन दंगों के दौरान एक वीडियो वायरल कराई गई। पुलिस ने तब बताया था कि ये वीडियो तो मुजफ्फरनगर की थी भी नहीं बल्कि ये तो पाकिस्तान के किसी ट्राइबल एरिया की वीडियो थी। इतना ही नहीं, जिस वीडियो में मुजफ्फरनगर के दो समुदायों के बीच कभी न पट पाने वाली दरार डाल दी वो वीडियो दंगे के साल यानी 2013 से 2 साल पुरानी थी। हालांकि वीडियो ये कहकर फैलाई गई कि ये मुजफ्फरनगर के वायलेंस हिट एरिया कवाल की है। फिर इसने आग में घी झोंकने का काम किया जिसके बाद वेस्ट यूपी में बड़े पैमाने पर न सिर्फ हिंसा हुई बल्कि माइग्रेशन भी हुआ। जाट और मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिल में कभी न मिटने वाली दरार पैदा हो गई और इस दंगे की छाप न सिर्फ वेस्ट यूपी बल्कि पूरे भारत की राजनीति पर पड़ी और इसने पूरी भारत की राजनीति को बदल कर रख देने का काम किया। इस दंगे ने भारत की राजनीति कैसे बदली वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है, वो फिर कभी। लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी सीख ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी जानकारी देखें जो सेंसिटिव हो, ऐसी हो जो आपको आग बबूला कर दे, जानकारी में रेप, मर्डर, हिंदू मुसलमान और दंगे जैसी कोई भी बात हो जिसकी वजह से आप गुस्से से भर जाएं और तुरंत रिएक्ट करना चाहें, तो आपको ऐसी किसी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। सिर्फ सोचना ही नहीं चाहिए, आप इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके भरोसेमंद न्यूज़ पोर्टल्स पर जाकर ऐसी जानकारी को वेरीफाई करने की कोशिश करें। अगर कोई इतनी बड़ी घटना हुई है तो उस पर रिपोर्टिंग हुई होगी, ज़रूर हुई होगी। ऐसे और भी कई तरीके हैं जिनसे वेरीफाई किया जा सकता है कि ये जानकारी सही है या गलत। और सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप क्यों ही किसी को इस तरीके की बात भेजकर नफरत और हिंसा फैलाने में शामिल होने में अपना नाम शामिल करना चाहेंगे। उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।